हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी विशेष से मैं भी बहुत अच्छी हो गई हूँ। पहले से मेरी आईज़ काफ़ी अच्छी हो गई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद भगवान जी के दर्शन करूँ और आपको भी साक्षात कराऊँ। तो हम पहुँच गए मथुरा, और मथुरा में आप देख रहे हैं श्री कृष्ण देवाती बिहारी के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। लाइव सेक्शन चल रहा है, वहाँ से आप देख सकते हो मेरे प्यारे कृष्ण गोविंद जी मंदिर में विराजमान हैं। और ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं यमुना तट पे। आप देख सकते हो इस यमुना तट पे यमुना जी को साड़ी पहनाई जा रही है। यस, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि जिनकी विशेष पूरी हो जाती है, जो भी यमुना जी के दर्शन करके या इसमें नहाने के बाद उनसे कोई विश मांगते हैं और उनकी विश पूरी हो जाती है, तो अपनी विश पूरी होने के बाद यमुना जी को साड़ी पहनाते हैं। पहनाने का तरीका ये रहता है, काफ़ी देर यहाँ मंत्र उच्चारण भागवत हुआ, मैं पूरा आपको लाइव दिखाती तो आप परेशान हो जाते, तो मैंने डायरेक्टली आपको पहनाते हुए दिखा दिया। आप देख रहे हैं नाव पे काफ़ी लोग सवार हैं, सभी लोग जिनकी विशेष पूरी हुई हैं उनके घर फैमिली के मेंबर्स मिलकर ये साड़ी पहना रहे हैं। उस कोने से लेकर इस कोने तक साड़ी जानी है। आई होप ये साड़ी कितनी लंबी होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ये पूरा गट्ठर था और पूरे गट्ठर के साथ ये पहना रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साड़ी है पूरी उस छोर से इस छोर तक, यानी जहाँ पे नदी का वो किनारा है और इस किनारे तक पूरी पहनाई जाएगी। और आप देख रहे हैं यमुना माँ ने साड़ी ले भी ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोगों ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की कि मतलब ये भीगे नहीं, ऊपर ही ऊपर रहे, बट फिर भी मेरी यमुना माँ ने इसे ले लिया है। देख रहे हैं आप, बीच में उन्होंने पहन ली इसे। तो आई होप, मैं यही कहती हूँ कि आप जो लोग भी हैं, अगर विश्वास रखते हैं द्वारिकाधीश में या यमुना जी में या फिर गोकुल में या फिर वृंदावन में, तो आप वहाँ जाएँ, अपनी विशेष करें और आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी। और फिर आप भी ऐसे माँ जी को साड़ी वस्त्र दान करें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के मन, यहाँ पे आने के बाद मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया है। भागवत कथाएं और प्रवचन और भगवान जी के दर्शन करने के बाद बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैं अपने सारे व्यूवर्स को सजेस्ट करूँगी कि एक दिन का टाइम निकाल के आप बाहर घूमने ज़रूर जाएँ, स्पेशली वृंदावन मथुरा। यहाँ पर आने के बाद बाकी बिहारी के दर्शन करने के बाद मन बाग बाग हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।